बिजनौर में यूपी पुलिस ने एक घर में दबिश दी। वहीं इस दौरान एक युवक छत से नीचे गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस हादसे के दौरान मौके से भाग खड़ी हुई। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद एसपी ने एसआई सहित तीन कांस्टेबल्स को निलंबित कर दिया। आज शाम को लगभग 6:30 बजे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम शहजाद है, उसकी मृत्यु होने के संबंध में अवगत कराना है कि 28 अगस्त को धामपुर थाने पर शवाना नामक एक महिला ने शहजाद के विरुद्ध एक अभियोग दर्ज कराया था सेक्शन 341 एवं 506 आईपीसी में। इसी अभियोग की विवेचना के क्रम में धामपुर से एक पुलिस टीम कोतवाली देहात थाना क्षेत्र पर आज शाम को गई थी। एक मकान में शहजाद के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस को देखते ही शहजाद छत से भागा और भागते समय उसकी छत से नीचे गिरने से मौत हो गई। सड़क पर वो नीचे गिर गया था। शहजाद के परिजनों का ये कहना है कि सलमान भी मौके पर था और सलमान ने शहजाद को ईंट मारी है। जी ऐसा थी बात, मैंने दरवाजा लगा था ना। जी मैं मच्छी छाड़ी थी तो देखा था ये दीवार के एक लड़के ने झांका, दरवाजा खोलो। तो जैसे मैंने दरवाजा खोला ना जी, तो देखा तो पुलिस वाला आए तमाम सारे, वे ऊपर को भाग गए। तो मैंने कहा भैया क्या बात हो, क्या बात, वे रुके नहीं है। तो मुझे भी धमकी देखे और ऊपर ही भाग गए, मारपीट करने लगे। मेरा आदमी को भी मारा और मामू को भी मारा जी। मारपीट हो गई, जैसे मैंने नीचे आए मैंने रोका तो मुझे भी हाथ मार के पीछे भगा दिया। किसने गिराया? पुलिस वाले।